इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। जब तक कोई चीज की ना जाए तब तक वो नामुमकिन ही लगती है। हाय स्टूडेंट्स, प्रगति दिस साइड, मेरे यूट्यूब चैनल सिंपलीफाइड मैथ्स में आपका स्वागत है। अंडरस्टैंडिंग द टर्मिनोलॉजी ऑफ द क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस में कुछ ऐसी टर्म्स यूज होती हैं जिसका एग्जैक्ट मीनिंग 70% स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। या तो वो इन्विजिलेटर से पूछते हैं या गलत चीजें लिख देते हैं। जैसे डिफाइन, डिफाइन में लोग पूरी रामायण लिख देते हैं, एनालाइज में कुछ और ही लिख देते हैं। तो आज ये कोड वर्ड्स हम सीखेंगे और इसमें एग्जैक्ट हमें आंसर में क्या लिखना होता है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। पहला कोड वर्ड है डिफाइन। जब आपसे कोई चीज डिफाइन करने की पूछी जाए तो आपका आंसर एक्यूरेट एंड छोटा होना चाहिए, 2 से 3 लाइन में खत्म हो जाना चाहिए। उस चीज को एक्यूरेटली डिफाइन करो, 2 से 3 लाइन में कंप्लीटली डिफाइन हो जाना चाहिए, छोटे में ही, और 1-2 एग्जांपल्स देके उसे डिफाइन करो। यू विल गेट फुल मार्क्स। जैसे आपसे पूछा हुआ है डिफाइन ज्योमेट्री, तो आपको सीधा सीधा एक्यूरेटली लिखना है। ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप्स ऑफ लाइंस, एंगल्स, कर्व्स, एक्सेट्रा। दैट्स इट। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं लिस्ट समथिंग, लिस्ट आर द पॉइंट्स ऑफ दिस, या एनुमरेट पॉइंट्स ऑफ दीज। कोई भी चीज आपसे पूछी हो उसको लिस्ट करना है, एनुमरेट करना है, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको पॉइंट्स में आंसर करना है। 1, 2, 3 नंबर देना है और पॉइंट्स लिखने हैं। थर्ड थिंग आती है स्टेट, स्टेट समथिंग, तो उसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू गिव प्रूफ इन ब्रीफ। आपको कंप्लीट प्रूफ देना है लेकिन ब्रीफ में। उस टाइम पे आपको स्मार्ट वर्क करना है कि कैसे आप छोटे में सब कुछ समझा सकते हैं। नेक्स्ट समराइज, समराइज में आपको पूरा चैप्टर नहीं लिखना है, आपको पूछा हुआ है, जैसे इंग्लिश में पूछा हुआ है, समराइज करना है आपको ये स्टोरी या ये पैराग्राफ, क्या कहना चाहता है एडिटर, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको उसको ब्रीफ में सारा एक्सप्लेन कर देना है, मीन्स लंबी चीज को आपको छोटे में समझाना है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन में आपका आंसर थोड़ा लंबा रहेगा, उसमें आपको डिटेल में उस चीज के बारे में बताना है, उसके पीछे क्या आइडियाज हैं, क्या फैक्ट्स हैं, व्हाई समथिंग इज एंड हाउ समथिंग इज, जिस भी चीज के बारे में आपको पूछा हुआ है, एंड अगर कोई एग्जाम्पल्स भी हैं जो उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको एग्जाम्पल्स भी देने हैं। इसका आंसर थोड़ा सा लेंथी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब समथिंग, डिस्कस समथिंग, तो इसका आंसर भी थोड़ा लंबा रहेगा। जिसके भी बारे में आपको डिस्क्राइब करने के लिए बोला हुआ है उसके बारे में आपको कंप्लीट डिस्क्राइब करना है। अगर कोई फिगर या कोई डायग्राम भी एड कर सकते हैं तो आप करिए, क्योंकि डिस्क्राइब डिस्कस इस टाइप के क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं। सो अगर आप एक्स्ट्रा कुछ एड कर सकते हैं, टेबल्स, फिगर्स, ग्राफ्स, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट थिंग इज इलस्ट्रेट। ये क्वेश्चंस थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस टाइप में आते हैं या वेरी लॉन्ग में आते हैं, तो उसमें आपको जिस भी बारे में पूछा हुआ है उसको डिटेल में बताइए और उसके सपोर्ट में आपको एग्जाम्पल्स भी देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप होता है रिलेट। जब रिलेट होता है तो आपको 2 चीजें गिवन होगी, उसके बीच में आपको रिलेट करना है कि ये इससे कनेक्टेड क्यों है, ये इससे कनेक्टेड क्यों है, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन होगा, सो उसको आपको पॉइंट्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप आता है कंपेयर, कंट्रास्ट। उसमें आपको 2 या 2 से ज्यादा चीजें गिवन होंगी, उनको आपको कंपेयर या कंट्रास्ट करना होगा। उसमें आपको बताना है दोनों के बीच में रिलेशन, या तो दोनों एक जैसे होंगे या दोनों अलग होंगे। दोनों एक जैसे क्यों है वो बताइए, या दोनों अलग क्यों है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों क्यों डिफरेंट है, वो चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। नेक्स्ट इज एनालाइज। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें यू हैव टू डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ समथिंग, जो भी पूछा हुआ है, और ये बताइए क्यों ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रूफ और जस्टिफाई, आपको किसी चीज का प्रूफ देना है या जस्टिफाई करना है, उसमें आपको बिल्कुल एक्यूरेट रहना है। आपसे पूछा हुआ है प्रूफ करना, मींस ये चीज ऑलरेडी है, आपको प्रूफ करनी है। मैथ्स में बहुत सारी चीजें होती है ना, यू हैव टू प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज
ऑलरेडी है, अगर प्रूव करने के लिए दिया हुआ मीन्स ये होगा ही होगा, तो आपको क्लियर एंड एक्यूरेट प्रूव करना है और जस्टिफाई करना है कि ऐसा क्यों है. नेक्स्ट आता है इंटरप्रेट. इंटरप्रेट अगर आपको किसी भी चीज का पूछा हुआ है तो आपको वो चीज एक्सप्लेन करनी है, वो टर्म एक्सप्लेन करनी है और उस चीज का सिग्निफिकेंस आपको बताना है. नेक्स्ट आता है क्लासिफाई समथिंग. कुछ चीज क्लासिफाई करना. क्लासिफाई का मीनिंग क्या होता है? समान प्रकार की वस्तुएं या व्यक्तियों को एक वर्ग में रखना. जैसे मैंने पूछा है, कुछ इंटीग्रल्स दे दिए मैंने 7-8, मैंने पूछे है इसमें क्लासिफाई डेफिनेट इंटीग्रल्स. सो जो डेफिनेट इंटीग्रल्स होंगे वो आप क्लासिफाई कर लोगे. नेक्स्ट आता है इवैल्यूएट. इवैल्यूएट जो मैथ्स में काफी यूज होता है, इवैल्यूएट आपको कुछ भी गिवन है क्वेश्चन उसको इवैल्यूएट करना. उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें उसके पीछे के फैक्ट्स और आइडियाज चाहिए, हमें फॉर्मूलाज चाहिए किसी भी चीज को इवैल्यूएट करने के लिए. सो इवैल्यूएट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर मैथ्स में आता है तो आपको फॉर्मूलेस की जरूरत है, या थ्योरी पेपर में आता है तो आपको उसके पीछे के फैक्ट्स चाहिए. उसके बाद आप बता सकते हैं कि वो इवैल्यूएट करके उसका क्या आंसर आएगा. या किसी और थ्योरी के पेपर में अगर बात कर रहे हैं तो इवैल्यूएट करके जो आपको गिवन है वो सही है या नहीं है, इसके पीछे के छुपे फैक्ट्स के अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे. ऐसे ही अगर आपको पूछा हुआ है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज पे आपको क्रिटिसाइज करना है, तो या तो आप उसका आंसर उसके फेवर में होगा या उसके अगेंस्ट में होगा. और ये डिपेंड करता है कि उसके पीछे क्या फैक्ट्स है, क्या आइडियाज है, क्या जजमेंट्स हैं. तो आपका आंसर या तो यस होगा या नो होगा डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स बिहाइंड दैट टॉपिक. आज की इस वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर टू गेट मैक्सिमम मार्क्स. Till then, bye-bye.